हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार के पॉलिटेक्निक के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है और सिलेबस और नोटिफिकेशन के बारे में भी पूरा डिटेल से आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एडमिशन फॉर्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो इसके एडमिशन फॉर्म है, वो 27 अप्रैल 2019 से आपके अवेलेबल हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट 18 मई 2019 आपकी बताई जा रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें जो आपकी अप्लीकेशन फीस है, वो अगर आप चलान के थ्रू आप अपनी फीस को सबमिट करते हैं तो उसकी लास्ट डेट जो होगी वो 20 मई 2019 आपकी लास्ट डेट होगी। और अगर आप ऑनलाइन किसी ऑनलाइन मोड से या किसी भी ऑनलाइन तरीके से आप अपनी फीस जमा करते हैं तो उसकी लास्ट डेट जो होगी वो 21 मई 2019 है। और दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जो है 4 जून 2019 को अवेलेबल हो जाएंगे और जिसकी एग्जामिनेशन डेट जो है 16-17 जून 2019 आपकी बताई जा रही है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें जो आपका फर्स्ट कोर्स है उसके लिए आपकी जो फीस होगी वो जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपये होगी और एससी एसटी के लिए आपकी 480 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस होगी। तो इसमें कोर्स सेकेंड के लिए जो होगी आपकी जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये आपकी इसमें फीस बताई जा रही है और एससी एसटी के लिए आपकी 530 रुपये इसमें फीस रखी गई है। दोस्तों कोर्स थर्ड के लिए आपकी जनरल ओबीसी के लिए 950 रुपये हैं और एससी एसटी के लिए 630 रुपये हैं। और कोर्स फोर्थ के लिए आपकी जो फीस होगी वो जनरल ओबीसी के लिए 1150 रुपये होगी और एससी एसटी के लिए 730 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें रखी गई है। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों इसमें अगर आपने टेंथ अपनी क्लास जो है कंप्लीट कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपकी अपेयरिंग में है, टेंथ क्लास में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस जो इसमें आपके टेंथ क्लास में 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो है एज लिमिट, कोई भी इसमें एज लिमिट आपकी नहीं बताई गई है। चलते हैं इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसकी, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, यह बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार सरकार। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको सब कुछ डिटेल से इसमें बताया गया है, जो है ये विज्ञापन संख्या आपकी 2019-2 है और दिनांक 24/4/2019 को ये आपकी पब्लिश की गई थी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2019 पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पैरामेडिकल डेंटल माध्यमिक स्तरीय। देखिए इसमें आगे आपके कोर्स दिए हुए हैं, जो जो से आपके इसमें पॉलिटेक्निक में आपके अलग अलग पी पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम पी, अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह पी, पीपीई के बारे में इसमें सब कुछ, पीएमडी इसमें आपको डिटेल से बताया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड दिया है आपका एग्जाम डेट आपकी। तो दोस्तों इसमें जो दिनांक 16/6/2019 16 जून 2019 पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पीई व पाठ्यक्रम टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पीपीई पाठ्यक्रम समूह के लिए आपका एग्जाम होगा और 17/6/2019 को आपका पैरामेडिकल के लिए और पैरामेडिकल डेंटल पीएमडी के पाठ्यक्रम के लिए आपका एग्जाम इसमें होगा। इसमें थर्ड दिया है आपका जो इसकी वेबसाइट है bcecebord.bihar.government.in पर जाकर आप इससे रिलेटेड सब कुछ डिटेल से इसमें देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आगे दिया है कि आपको कैसे कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर पूरा देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसमें आगे आपका दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट दी गई है जो जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखिए ये इसमें आगे आपकी एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इसका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको जानना है तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि आप क्या क्या कैसे कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स आपकी भरनी है, सबको इसमें पूरा डिटेल्स आपको बताया गया है। आपकी जानकारी जो आपको देनी थी, तो इससे अगर आप और भी इसके रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।